हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ नीटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में देखने वाले हैं, जिसके हेल्प से क्या है, आपको कोई भी जो भी ट्यूटोरियल्स आप देखते हैं उनका बहुत ही इफेक्टिवली आप यूज़ कर पाएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ और पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विथ न्यूटन स्कूल। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो के बारे में। टिप नंबर वन, टाइप कोड वाइल यू आर वॉचिंग ट्यूटोरियल्स। क्या होता है, काफ़ी बार बहुत सारे लोग जो भी कोई भी कोर्स फॉलो कर रहे हैं, कोई भी ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो क्या एक नेटफ्लिक्स के जैसे या कोई वेब सीरीज के जैसे क्या उसको देखते रहते हैं रेगुलरली और उसको खुद से कोई भी प्रैक्टिस करके नहीं देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब तक आप कोई भी जो भी पर्टिकुलर कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कराई जा रही है ट्यूटोरियल में, तो क्या है आपको उस टाइम तो समझ में आती है, लेकिन जब आप उसको खुद से ट्राई करके देखते हैं तब वो सारी चीज़ें आप क्या है नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब भी आप कोई भी ट्यूटोरियल को देखें तो जो भी इंस्ट्रक्टर आपको कोड करा रहा है कोई भी या प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा है, तो उसको खुद से भी ट्राई करके देखें, उसको साथ साथ टाइप करते रहें और उसमें कुछ चेंजेस ला के देखें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कोड की। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको हमें क्या है स्कूल में बताया जाता था कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको क्या है बार बार लिख लिख के देखें, तो क्या है एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट वो क्या है क्लियर हो जाएंगे। टिप नंबर टू, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। काफ़ी बार क्या है बहुत सारे लोग एक ये गलती करते हैं कि क्या है वो कोड का रट्टा लगाते हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत है। आपको क्या है कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और उसके बाद में आप जब उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो क्या है खुद ही जो भी आपको कोड है उसका क्या रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। जब आप उस कोड को समझ जाएंगे तो उसके सिमिलर प्रॉब्लम्स जब आपको सॉल्व करने के लिए आएंगी तो आप क्या है वो खुद से ही आप कर पाएंगे। तो इसीलिए कभी भी क्या है आपको कोड का रट्टा नहीं लगाना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। और उसके बाद अगर आप मान लो अगर आप क्या है किसी भी कोड का कोई भी प्रॉब्लम है उसका कोई कोड है अगर आप उसका क्या है रट्टा लगा लेते हो तो क्या है आप उसके सिमिलर एक दो प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज आपको मिल गया तो आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और उसके बाद में उसको जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। टिप नंबर थ्री, डोंट जस्ट रिले ऑन ट्यूटोरियल्स। क्योंकि अगर आप बस ट्यूटोरियल्स पे डिपेंड रहते हैं तो कोई भी इंस्ट्रक्टर है वो क्या है सारे कॉन्सेप्ट तो एक ट्यूटोरियल में कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या है अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल पे डिपेंड रहते हैं तो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में समझाए गए होंगे बस आपको वही कॉन्सेप्ट आएंगे। और अगर आप खुद से रिसर्च करोगे, खुद से उस कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे तो उससे क्या है आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उसके बारे में। तो इसीलिए क्या है आप बस उस ट्यूटोरियल पर डिपेंड ना रहें, खुद से भी स्टडी करें, खुद से रिसर्च करें। आजकल इतनी सारी वेबसाइट हैं, आपको हर जगह से कहीं से भी आप क्या है पढ़ सकते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो और क्या है साथ साथ जैसे अभी हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करा रहे हैं तो आप वो देख रहे हैं अगर, तो क्या है आपको जो भी मैं कोड करा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उनका यूज़ करके क्या है आप खुद का एक प्रोजेक्ट बनाएं बिगनिंग से। बिल्कुल जो भी बेसिक्स हमने समझाए थे वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो क्या है हल्के हल्के आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो इसीलिए क्या है बस ट्यूटोरियल्स पे डिपेंड ना रहें, उसके साथ साथ आप खुद से भी प्रैक्टिस करें, खुद से नई नई चीज़ें ट्राई करें और नई नई चीज़ें को क्या है एक्सप्लोर करें। टिप नंबर फोर, वी पेशेंस बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर लर्निंग और एडॉप्टिंग एनी स्किल। क्योंकि क्या है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसमें टाइम हमको क्या है टाइम देना पड़ता है। आप एक दिन में कोई भी चीज़ को क्या मास्टर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको क्या उसमें टाइम लगेगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अगर आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप उस पॉइंट पे जाके क्या है गिव अप कर देंगे। तो इसीलिए पेशेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। क्योंकि क्या है किसी भी चीज़ को अगर हम सीखते हैं तो उसमें हमको टाइम देना होता है। मे भी आप क्या है अगर आप सोच रहे हैं कि क्या है एक दिन में मैं पूरा एक कोर्स कंप्लीट कर लूँ तो मे भी आप क्या है वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर आपके नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि क्या है आपके माइंड में बस ये रहेगा कि मुझको क्या है ये कोर्स आज कंप्लीट करना है, ना कि ये कि क्या है मुझको इसके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं। तो इसीलिए क्या है आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब भी कोई भी हम चीज़ को सीखना चाहते हैं या कोई भी हम स्किल को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या है टाइम देना होता है। सो बी पेशेंट। टिप नंबर 5, बी कंसिस्टेंस, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, या किसी भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो अगर आप उस पर कंसिस्टेंटली हार्डवर्क नहीं करते हैं तो क्या है आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसा ही तब होता है जब आप कोई भी ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, अगर आप उनको क्या है एक दिन में 4-5 आपने ट्यूटोरियल देख लिया, फिर नेक्स्ट डे आप कोई भी ना ट्यूटोरियल देख रहे हो ना ही कोई क्या है उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ऐसा क्या होता है अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या है जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो सारे कॉन्सेप्ट को हल्के हल्के क्या भूलते रहोगे। तो इसीलिए आप चाहें एक दिन में मतलब आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि मेरे को क्या है 1 घंटे ट्यूटोरियल देखना है, उसके बाद मेरे को इतने टाइम क्या है प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या है आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपको क्या है जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो इसमें क्या है आपको बहुत ही आसानी मिलेगी और बहुत ही आसानी से क्या है आप उस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, और इससे क्या होगा आप बहुत ही जल्दी कोई नई नई चीज़ों को क्या है एडॉप्ट कर पाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्प मिली हो कि किस तरह से आप क्या है जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, जो भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनको कैसे इफ़ेक्टिवली आप उनका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और उस टाइप पे मैं उस टॉपिक पे मैं आपको क्या वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।